लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, लेकिन बिहार में महागठबंधन की उलझन अब तक साफ नहीं हो सकी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार की 40 सीटों पर गठबंधन अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। एनडीए में तो सीटों का बंटवारा हो चुका है, इंतजार है तो प्रत्याशियों के नाम की, लेकिन गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कई पेच फंस रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस में खास तौर पर पेच फंसती नजर आ रही है। सीट बंटवारे में राजद के फैसले इस कदर एक तरफा दिख रहे हैं जिससे कांग्रेस और माले नाराज है और अब विकल्प की भी तलाश हो सकती है। कांग्रेस अब अलग होकर चुनाव लड़ने पर भी मंथन कर रहा है, वही एनडीए के उम्मीदवारों की सूची अब सामने आने वाली है। कुछ सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर इस खेमे में पेच फंसा हुआ है। बिहार में महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, सीट शेयरिंग पर फिलहाल पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस की कुछ परंपरागत सीट पर राजद ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं और सिंबल भी थमा दिया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद ने औरंगाबाद सीट को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी तक जाहिर की है। कांग्रेस बेगूसराय सीट कन्हैया कुमार के लिए चाह रही है, लेकिन राजद ने ये सीट सीबीआई को थमा दी है। पूर्णिया सीट को लेकर अब टकराव की स्थिति बन चुकी है। बीमा भारती ने इस सीट से राजद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, जबकि पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि वो पूर्णिया किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। कटिहार समेत अन्य सीटों पर भी कुछ ऐसा ही विवाद है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने यहां तक कह दिया कि अभी बातचीत चल रही है, जब गठबंधन टूट जाएगा तब देखा जाएगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।